हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके साथ केक शेयर कर रही हूँ। आप देख सकते हैं ये चॉकलेटी केक है। इसका हम स्पॉन्ज शेयर करेंगे और साथ में डेकोरेट दोनों शेयर करेंगे। आइए हम इसे बनाते हैं। चॉकलेट केक बनाने के लिए हम यहाँ आधा कटोरी बटर लेंगे। आपके पास अगर बटर नहीं है तो आप डालडा घी ले सकते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे। और एक कटोरी हम पाउडर शुगर लेंगे। इसको हम अच्छे से इसमें मिलाएंगे। पाउडर शुगर डालने के बाद हम इसमें आधा कटोरी दही डालेंगे। दही को हम इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे और फेंटेंगे। दही को हमने इसमें फेंट लिया है। हम एक ही डायरेक्शन में फेंटेंगे इसे। अब हम इसमें दो छोटी चम्मच ऑयल के डालेंगे। दो छोटी चम्मच डालेंगे, ज़्यादा नहीं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ में हम इसमें आधा कटोरी कंडेंस मिल्क डालेंगे। मैंने यहाँ घर पर निकाला है, आप मार्केट का भी ले सकते हैं। और अच्छे से एक ही डायरेक्शन में इसे हम फेंटेंगे। हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब हम एक छलनी लेके इसमें हम एक बड़ा चम्मच कोको पाउडर लेंगे। एक बड़ा चम्मच हम ड्रिंकिंग कोको पाउडर लेंगे और एक छोटी चम्मच अच्छे से भर के हम बेकिंग पाउडर लेंगे। बेकिंग पाउडर लेंगे हम, इसे हम अच्छे से छान लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा मैदा छानेंगे। एक कटोरी मैदा लेना है हमको और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा डालेंगे हम। आप पहले से ही छान के रख सकते हैं इसे अलग से, और थोड़ा थोड़ा डाल के हम इसे मिलाएंगे छानते हुए। अब हम बैटर को थोड़ा पतला करेंगे दूध की सहायता से। दूध को हम बैटर के अकॉर्डिंग डालेंगे। बैटर को अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा दूध और डालेंगे। दूध आवश्यकता अनुसार डालें। आधा छोटी चम्मच हम वेनिला एसेंस डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने यहाँ एक बर्तन लिया है, इसमें हमने ऑयल लगा लिया है, ग्रीस कर लिया है। इसके ऊपर मैंने थोड़ा मैदा छिड़का है, इसको मैंने फैला लिया है सब जगह और डस्ट को निकाल दिया है। अब हम इसमें बैटर में एक चम्मच इनो का डालेंगे। इसके साथ हम थोड़ा सा इनो के ऊपर दूध डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। इनो को हमने मिला लिया है। बैटर को हम डिब्बे में डालेंगे। बैटर को हमने डिब्बे में डाल दिया है। इसको हम थोड़ा नीचे तक कर लेंगे। आइए हम इसे बनाते हैं। कढ़ाई लिया है, इसके अंदर नमक बिछा लिया है और ये पहले से ही मैंने गरम करके रखा है। 10 मिनट हो गए हैं, स्टैंड लगा लिया है। इसके अंदर हम ये बैटर रख देंगे और इसे ढक देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसे आधा घंटे तक बनने देंगे। और चाहे तो बीच में आप चेक कर लें। केक के स्पॉन्ज को निकाल के हमने बाहर रख लिया है, ये ठंडा हो गया है। अब हम इसको बीच में से काट लेते हैं डेकोरेट करने के लिए। केक को हमने बीच में से काट लिया है। इसके हमने तीन हिस्से किए हैं। इसमें हम शुगर सिरप डाल रहे हैं। गर्म पानी में चीनी को घोल लिया है। अब हम इस पर क्रीम लगाएंगे। यहाँ मैंने चॉकलेट क्रीम बनाई है। क्रीम की रेसिपी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। मैंने यहाँ पीछे बिस्किट केक डाला था, उसमें क्रीम की रेसिपी बता रखी है। इस पर क्रीम को फैलाएंगे। मैंने क्रीम को फैला लिया है। इस पर हम नॉर्मल चॉकलेट लिए मैंने यहाँ कंपाउंड, इस पर डालेंगे हम। इसको मैंने क्रश कर लिया है। इधर मैंने व्हाइट चॉकलेट लिया है, इसको भी मैंने क्रश कर लिया है। इस पर डालेंगे हम सेम क्वांटिटी में। साथ में मैंने यहाँ ब्लैक कंपाउंड लिया है, इसको भी हम बीच में डाल देंगे। और दूसरा स्पंज उठाकर हम इस पर रखेंगे। स्पंज को हमने
एक हिस्सा और रख लिया है स्पंज का, इसी तरह से एक स्पंज का हिस्सा और है मेरे पास, ये देखिए। ये प्रोसेस अब दोबारा से करेंगे। इस पर हम पहले शुगर सिरप डालेंगे, उसके बाद हम इस पर क्रीम डालेंगे, वापस से हम ब्लैक, व्हाइट और नॉर्मल चॉकलेट्स डालेंगे, वापस से बेस को रखेंगे, इसको फैलाएंगे अच्छे से। तीसरे स्पंज को हमने ऊपर रख लिया है, इस पर हमने शुगर सिरप डाल लिया और क्रीम डाल ली, इसको हम फैलाकर प्लेन कर लेंगे। आप बिना मोल्ड के भी किसी बर्तन पे रख के इसे बना सकते हैं। मैंने यहाँ टोपिया लिया है, देखिए बिना मोल्ड के भी ये इजीली बन जाता है। इस पर हम वही चॉकलेट दोबारा से रिपीट करेंगे क्रश की हुई। पहले हम नॉर्मल चॉकलेट डालेंगे, आप कोई भी चॉकलेट ले सकते हैं, डेयरी मिल्क वगैरह, मैंने यहाँ मिल्क चॉकलेट ली है। इसके बाद हम ब्लैक चॉकलेट, डार्क कंपाउंड डालेंगे। इसके बाद हम इस पर व्हाइट चॉकलेट डालेंगे। टेढ़ा करके डालेंगे, इसके साइड में भी डल जाए। हम नोजल की सहायता से या बिना नोजल भी इसे कर सकते हैं। हम इसमें राउंड में सर्कल करेंगे। इसी तरह से अंदर करेंगे एक और। चारों तरफ से हमने बाउंड्री की है। आप इसको नाइफ की सहायता से इसको ऊपर की तरफ करेंगे। मैंने यहाँ दो तरह की चॉकलेट ली है, एक ये वाली चॉकलेट है और ये चेरी वाली है फ्लेवर की। डेकोरेशन के लिए आप कुछ भी ले सकते हैं, मैं यहाँ इससे डेकोरेट कर रही हूँ, ये देखिए। हम व्हाइट डालेंगे। हमने चारों तरफ चेरी वाली चॉकलेट लगा ली है, अब हम इससे डेकोरेट कर सकते हैं। इस तरह से हम डिजाइन बनाएंगे। हम प्लेन पाइपिंग भी ले सकते हैं और बिना पाइपिंग भी कर सकते हैं। इसी तरह से हम डॉट्स डॉट्स चेरी के चारों तरफ करेंगे। हमने यहाँ चारों तरफ से डॉट्स डॉट्स कर लिया है, अब हम यहाँ लाइनिंग करेंगे इस तरह से। हमने यहाँ लाइनिंग कर ली है, अब इन लाइनों पे हम झिकझिक लाइन करेंगे इस तरह से। हाँ, हम यहाँ पे इस तरह, यहाँ मेरे पास गोल्डन कलर की चॉकलेट बॉक्स है, उसके ऊपर लगाएंगे हम। पूरे केक पर हमने यहाँ गोल्डन चॉकलेट बॉक्स डाल दी है, देखिए। मैंने यहाँ व्हाइट चॉकलेट बिस्किट ली है, यहाँ मेरे पास व्हाइट चॉकलेट्स है, इसको हम साइड में लगा देंगे। हमारा बर्थडे केक बनकर रेडी है। आप देख सकते हैं बहुत स्पॉन्जी है, इसमें हमने 3 types चॉकलेट्स यूज की है। आप चाहें तो 1 type चॉकलेट ले सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें, और न्यू रेसिपीज के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। धन्यवाद।